राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आज इस साल के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यक्रम शुरू होने से पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से किया गया, जिसमें सामूहिक रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलन किया। उसके बाद सभी बेंचों पर काम प्रारंभ हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनारायण सेवक पांडे ने बताया कि आज का ये राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है। उसके बाद 11 मई 14 सितंबर फिर 14 दिसंबर को यह आयोजित की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार भागलपुर सिविल कोर्ट में 19 बेंच, नवगछिया में 5 बेंच और कहलगांव में 1 बेंच, कुल 25 बेंच पर सुनवाई की जाएगी, जिसमें 75,000 केस के नोटिस जारी किए गए हैं। 31,000 बैंक के केस भी इसमें शामिल है। वहीं उन्होंने बताया कि पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राम कचहरी के भी मामले की सुनवाई की जा रही है। हम लोगों ने करीब 8,000 वादों में करीब 30-35,000 लोगों को नोटिस इशू किया। 8,000 केसेज को हम लोग टारगेट किए हैं। अब अधिकतम प्रयास हो रहा है जिसमें से कितने केसेज जो है वो सुलह के आधार पर निपट सकते हैं। आगे कितने बेंच बनाए गए हैं भागलपुर? कुल बेंच भागलपुर में 19 है यहाँ के लिए, और भागलपुर सदर के लिए, और नौगछिया में 5 है और 1 कहलगांव। आज के लोक अदालत में विशेष रूप से ये है कि हम लोगों ने सभी इस न्यायमंडल के सभी वादों को चिन्हित किया, इसमें टेकअप किया। हम लोगों ने इस बार पहली बार जो है वो सबसे पहले केसेज को आइडेंटिफाई किया, जो हमारे समनीय मामले हैं। समनीय का मतलब सीआरपीसी के धारा 320 के अनुसार जो कंपाउंड हो सकते हैं, जो सुलह हो सकते हैं, उन सभी मामलों में हम लोगों ने नोटिस भेजने का प्रयास किया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी तरह दो पक्षों में किसी तरह का मतभेद हो तो उसे आपसी सुलह से समाप्त कर लेना चाहिए। इससे दोनों पक्ष के लोग मन से भी शांत रहेंगे और आर्थिक रूप से भी परेशान नहीं होंगे। केस होने से दोनों पक्षों को काफी परेशानी होती है। लोगों को नोटिस भिजवाया है और उसको समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि जितने भी केसेस हो रहे हैं छोटे मोटे, वो मन में भेद के कारण से हो रहे हैं। छोटा सा मन में अंतर हुआ तो व्यक्तियों के बीच में एक विवाद हो गया। मैं आम जनता से अपील करूंगा कि वो मन का भेद है उसको तुरंत समाप्त करें, ताकि वो केस के रूप में तब्दील नहीं हो। और यदि केस के रूप में तब्दील हो गया है तो छोटे से अंतर को समाप्त करें, ताकि वो केस समाप्त हो, उनका परिवार सुखी रहे, उनका परिवार सुखी रहे, पूरा समाज सुखी रहे, और बड़ी बात उनकी राशि बचे। क्योंकि यदि कोर्ट में आते हैं और हाजिरी लगाते हैं, वकील साहब हैं, उनको पे करना है, उनका आने जाने का वो भाड़ा लगता है, उसके बाद उनकी मजदूरी समाप्त होती है, ये सारे पैसों को यदि वो जोड़ेंगे तो एक केस में हजारों रुपये हमारी जनता खर्च कर रही है। मैं पूरी जनता से अपील करूँगा कि मन के भेद को समाप्त करें। दूसरा, ये सरकार की व्यवस्था है पंचायती राज सिस्टम में कि ग्राम कचहरी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ सरपंच हैं, न्याय सचिव हैं, कचहरी सचिव हैं, वो व्यवस्था है। यदि छोटे मोटे वाद है तो उस ग्राम कचहरी में लाएं, ताकि वहाँ वादों यदि वाद समाप्त हो जाते हैं तो हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है यहाँ पे केस लोड कम होगा, तो हमारे जितने भी न्यायिक प्राधिकारीगण हैं उन्हें जो बड़े केस हैं उनके डिस्पोजल में उनको सुविधा मिलेगी, वो अच्छा समय दे पाएंगे और उनका निस्तारण बेहतर तरीके से होगा। तो मैं आम जनता से पुनः अपील करूंगा कि मन के भेद को समाप्त करें और लोक अदालत में जितने सुलहनीय वाद हैं उसमें वो अपीयर हो और सुलह करें और खुश रहें, अपने राशि को बचाएं और अपना रोजगार बढ़ाएं। आज भागलपुर के समीक्षा भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में की गई। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावे कई महिला पदाधिकारी उपस्थित थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष पर दर्जनों आंगनबाड़ी सेविका, स्वास्थ्य विभाग से एएनएम एवं कई विभाग की महिलाएं जो अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य की है उन्हें आज पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि 8 मार्च को शिवरात्रि थी और लगभग सभी महिलाएं फास्टिंग में थी, जिसके चलते ये कार्यक्रम आज 9 मार्च को आयोजित की गई। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, उन्हें हर क्षेत्र में बराबर का सम्मान भी मिल रहा है, जिसको लेकर आज समीक्षा भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया और अपने क्षेत्र में बेहतर करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम कल आयोजित किया जाना था, परंतु हमारी अधिकतर महिलाएं महाशिवरात्रि को लेकर के फास्टिंग पे थी। उसी दिवस को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है और कई महिलाओं ने, कई लड़कियों ने अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित भी किया गया है एवं उनके शक्ति का उन्हें एहसास कराया गया। आप जान रहे हैं कि अभी महिला सशक्तिकरण का दौर है। पंचायती राज व्यवस्था में जो निर्वाचित सदस्य हुए हैं, करीब 50% तो आरक्षण है एवं 5 से 7% अधिक महिलाओं ने जीत प्राप्त करके इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया है। और सरकार ने जो रोजगार व्यवस्था है, रोजगार में भी एक रिजर्वेशन दिया है, जिसके कारण से करीब 40% से अधिक महिलाएँ विभिन्न नौकरियों में अब आ रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण का दौर जारी है और सभी अच्छा काम करने वाली जो हमारी महिलाएं थी, सभी को सम्मानित किया गया। हर समय विवादों में घिरे रहने वाले और विवादित बयान देने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल आज फिर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी निर्दलीय नहीं लड़ता हूँ। निर्दलीय विधानसभा में लड़ता था, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपए चाहिए, प्रत्येक विधानसभा में लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? अगर हम महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे तो कुछ पैसे नीतीश कुमार देंगे और कुछ नरेंद्र मोदी हमें पैसे देंगे, टिकट मेरे पॉकेट में ही रहता है। बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा भी और 3 लाख वोट से अधिक मतों से जीतेंगे भी। मेरी जीत सुनिश्चित है, जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। भागलपुर पार्लियामेंट में जितना जोड़ घटाव गुना भाग मेरा मजबूत है, किसी भी नेता का इतना मजबूत गणित नहीं है, जिसको कह देंगे जितना वोट से जीतेगा उतने ही संख्या से वह जीतेगा। मैं अगर कह दिया कि मैं 3 लाख से जीतूंगा तो ये सुनिश्चित है मैं 3 लाख वोट से ही जीतूंगा। लोगों से मिलने जुलने की प्रक्रिया चालू है। सर, टिकट को लेकर हमेशा आप दावा करते रहे, अगर टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय गोपाल मंडल भागलपुर से आ सकते हैं? निर्दलीय विधानसभा, हम निर्दलीय लड़ते हैं? कभी निर्दलीय लड़ते थे विधानसभा पार्लियामेंट, लोकसभा सीट लड़ने के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपया चाहिए, प्रत्येक विधानसभा में 1 करोड़, कहाँ से पैसा लाएंगे भाई? अगर हम गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, कुछ नीतीश कुमार देंगे, अब मोदी जी हमको मदद करेंगे, हम गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिलने की उम्मीद है सर? अरे टिकटवा मेरे पॉकेट में रहता है, क्या बार बार बोलता है जी? जीत जीत सर, जीत 3 लाख से हम लीड करेंगे, 3 लाख से लीड करेंगे, जीत सुनिश्चित, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। और ये भागलपुर पार्लियामेंट में जितना जोर घटा गुना भाग हमारा मजबूत है, किसी का नहीं है। जिसको कह देंगे इतना से जीतेगा उतने से जीतेगा, हम बोल दिए 3 लाख से जीते, 3 लाख से जीतेंगे। लोगों से मिल रहे हैं सर? मिलिए नहीं, काम क्या कर रहे हैं? लाश को देखिए, पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहाँ आए तो लोगों से मिलिए रहे, इतना तो लोग आएगा देखेगा गोपाल मंडल आगे बढ़ के काम किया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है, बयानों का दौर भी चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। भागलपुर में एनडीए के ही खेमे में जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल कहते हैं टिकट हमारे पैकेट में है, वहीं दूसरी ओर कहते हैं नवगछिया के एसपी को यहां से हटाया जाए, जब तक वह रहेंगे नवगछिया में खून खराब होता रहेगा। इस पर टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा, गोपाल मंडल खुद मियां मिट्ठू बनने का काम कर रहे हैं, हम लोग उनकी कोई बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। एनडीए की सरकार अभी तय नहीं की है भागलपुर से भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलेगा या जनता दल यूनाइटेड को, लेकिन उनके पैकेट में टिकट आ गया, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। वहीं एसपी मामले में उन्होंने कहा कि जो खुद हत्यारा हो वह दूसरे पर लांछन न लगाए, ये कहीं से सही नहीं है। देखिए, गोपाल जी का विवादित बयान कोई आज नया नहीं है, और वो केवल और केवल इसलिए ये बयान देते हैं तो उनको काम कुछ करना नहीं है, और वो इस तरह का बयान देकर वो पोर्टल पर न्यूज और प्रिंट मीडिया में बने रहना चाहते हैं।
इसलिए उसके बयान का कोई हम लोग कोई उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और रही बात टिकट का, तो वो उनका अपना मामला है, वो पार्टी तय करेगी। और पहले तो सीट ही गठबंधन में किसके साथ रहता है तो उस पर निर्णय होगा, तब ना कैंडिडेट की बात। जदयू से यहाँ भागलपुर लोकसभा में टिकट मिलता है तो क्या गोपाल, ये अभी तय नहीं हुआ है ना, अभी तो पार्टी निर्णय करेगी कि कौन जदयू का सीट होगा कौन भाजपा का। अभी उस पर मंडल है अभी भैया, इस पर कोई बात करना बेमानी होगी क्योंकि सीट ही शेयरिंग नहीं हुई अभी। इस तरह का जो मतलब बयान दे रहे हैं कि पॉकेट में टिकट है, अब ये तो अपना मुंह में मिट्ठू बनना और गोपाल मंडल जी का कोई नया बयान थोड़े ना है। और ये एसपी पर भी बार बार लांछन लगाते हैं, जो खुद हत्यारा हो सकता है वो दूसरे के बारे में क्या कहे, प्रशासन अपना काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर शहर के दीपनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद कहकशां प्रवीण, नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, बेपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, वार्ड पार्षद प्रीति शेखर, समाज सेवी कमल जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा एक से एक मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति की गई, जिससे प्रशाल में बैठे लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों के हौसला को बढ़ाया। इस मौके पर सम्मानित अतिथि के द्वारा महिला शिक्षक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।